You have to wake up and say, I don't feel like training, but I must train. I will only drink water. You need to do what you're supposed to do. Cannot give up. Most of you are happy to be losers part-time. Turn off YouTube! Go do something! Jesus Christ. What's wrong with people? 17th सेंचुरी के एक वेस्टर्न फिलोसोफर थॉमस होब्स ने एक बार एक बात कहा था कि ऑल पीपल विल किक 7 बॉल्स ऑफ हेल आउट ऑफ ईच अदर इफ दे आर गिवन द अपॉर्चुनिटी। मतलब हर एक इंसान दूसरे इंसान को नर्क में भेजने की फिराक में है। वेल, ये एक वेस्टर्न फिलोसोफर की बात है तो कितना सही है और कितना गलत, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने भी एक बात कहा था कि हम इंसान जिसका एवोल्यूशन एनिमल से हुआ, आज आकृति में तो हम इंसान बन गए, लेकिन प्रकृति में आज भी हमारे बहुत सारे गुण जानवरों के साथ मिलता है, जैसे कि फाइटिंग, शोइंग डोमिनेंस, ऑप्रेसिंग अदर्स, रूलिंग ओवर अदर्स, रेप, स्टीलिंग, किलिंग एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। थॉमस होब्स भी कहते हैं कि हमारा नेचर बहुत ही कम्पिटिटिव है, मतलब हमें जीतना अच्छा लगता है, हमें कुछ पाना, कुछ हासिल करना बहुत अच्छा लगता है, और यही पाने की चाहत हमारे अंदर लेके आती है डर, यानी फियर। फियर हमारा एक इंस्टिंक्ट इमोशन है, हमें हर वक्त डर सताता रहता है, खो देने का डर, जो मिला उसको खो देने का डर, या जो नहीं मिला वो ना मिलने का डर, मनी, आइडेंटिटी, फेम, लव्ड वन, सबको खो देने का डर। और हमारे अंदर का यही पाने और खोने की भाव लेके आती है एक कहानी। हाँ, कहानी, एक स्टोरी, आपकी और हमारी स्टोरी, हर एक इंसान की स्टोरी, जहाँ हर एक इंसान को कामयाब बनना है, जहाँ हर एक इंसान को ऊपर उठना है, चाहे वो दूसरों को दबा कर ही क्यों ना हो, क्योंकि हमें सिर्फ पाना है, खोना हमें मंजूर नहीं, हमें बड़ा बनना है, सब कुछ हासिल कर लेना है। आप मानो या ना मानो, आपको हर वक्त कुछ चाहिए होता है, आपको हर वक्त कुछ चीजों का डर सताता रहता है। और ये कहानी सिर्फ आपकी नहीं बल्कि सबकी ही एक कहानी है। हर एक इंसान अपने कैरेक्टर को जीता है, वो भी खुद को एक हीरो देखना चाहता है, हीरो जिसने सब कुछ हासिल कर लिया, हीरो जिसने हसल किया। और वही इंसान जब कोई एक ऐसे इंसान को देखता है जिसने वो सब कुछ किया, सभी स्ट्रगल किया, हसल किया और आज उस मुकाम तक पहुंच गया, तो वो उस इंसान को एक तरीके से अपना आइडोल मान लेता है, एक तरीके से उसे पूछने लगता है, उसे अपना गुरु, अपना मेंटोर बना लेता है, इवन बिना उस इंसान के बैकग्राउंड, उसके फाइनेंस को एक्चुअली में जाने, क्योंकि वो उसमें खुद का ये कैरेक्टर देखना चाहता है, ये यूं कहे फिल्म के पर्दे में या फिर आज की इस सोशल मीडिया की दुनिया में वो जो देखता है उस स्टोरी, उस हीरो के साथ खुद को कनेक्ट करने लगता है, जहां उसके लाइफ में भी स्ट्रगल है, जहां उसके लाइफ में भी एक विलेन है और सबको हरा के वो अपने गोल की तरफ पहुंचना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आपके अंदर ऐसा स्टोरी आया कहां से? आप इस स्टोरी में जी कैसे रहे हो? ये स्टोरी आपने बनाया या फिर आपके अंदर डाला गया? क्योंकि इस स्टोरी से ही आप एंटर करते हो मैट्रिक्स पे। यस, मैट्रिक्स, जहां आप सिर्फ एक कठपुतली है कुछ लोगों का, कुछ मिलीनियर, बिलीनियर, या अगर मैं ट्रिलीनियर भी कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये कुछ एलाइट लोग है जो इस दुनिया की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। डोंट वरी, मैं यहाँ पर कोई एलिमिनाटी या फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कर रही, ये ऐसे कुछ लोग हैं जो सच में आपको और हमें चला रहे हैं। ये लोग आज हमारी सोच तक घुस चुके हैं, हमारे खान पान से लेके हमारी डे टू डे एक्टिविटीज पर घुस चुके हैं। इनडायरेक्टली दे शेप अवर लाइफ, दे डिसाइड व्हेन, वेयर एंड व्हाट वी विल डू एंड व्हाट वी वोंट। इन एलाइट्स ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया जहाँ दुनिया का 99% वेल्थ सिर्फ इन 1% लोगों के हाथ में है, और आज ये लोग हमें ड्राइव कर रहे हैं, ये लोग हमसे काम करवा के अपना जेब भर रहे हैं, जैसे कि एक वीडियो गेम में जहाँ पर एक प्लेयर अपने कैरेक्टर्स को मैनेज करता है। आप और हम भी ऐसे ही एक वीडियो गेम की दुनिया में हैं, एक हिडन ट्रैप में, और इसी ट्रैप को तोड़ने की बात करता है ये इंसान, एंड्रयू टेट। इस बंदे को आज आप अच्छे से जानते हो, एक ऐसा इंसान जिसने हार्ड वर्क किया, एक ऐसा इंसान जिसने खुद को पुश किया, एक ऐसा इंसान जिसने सब कुछ हासिल किया जो उसे चाहिए, और एक ऐसा इंसान जिसने मैट्रिक्स को पार किया, और जो आज चाहता है कि आप भी इस मैट्रिक्स को पार करो, और जो आपकी हेल्प करेगा इस मैट्रिक्स को पार करने में। रियली? चलिए समझते हैं। उससे पहले आप इस साइकोलॉजी, स्टोरी और मैट्रिक्स को मत भूलिए, आगे चल के ये तीनों डॉट कनेक्ट होगा। तो आखिर कौन है ये एंड्रयू टेट?
कैसे हासिल किया वो सब कुछ, कैसे उसने मैट्रिक्स को पार किया और कैसे एंड्रयू टेट हमें भी इस मैट्रिक्स से पार करवा सकता है। Andrew Tate. ब्रिटिश अमेरिकन किकबॉक्सर, एक टाइम पे जिसको गूगल पे डोनाल्ड ट्रंप और किम कार्डेशियन से भी ज्यादा सर्च किया जाता था, दुनिया का एक लौता इंसान जिसके पास कॉपर कलर का बुगैटी है, 30 प्लस कार कलेक्शंस, करोड़ों के डायमंड वॉचेस, जिसने अपने घर को गन्स एंड ड्रैगर का स्टोर हाउस बना के रखा है, एक हाथ में सिगार, एक हाथ में वाइन, चार्टर प्लेट और इन द सी ऑफ ब्यूटीफुल वुमेन। बस यही तो वो हीरो है जिसकी तरह सबको बनना है, जिसका लाइफस्टाइल सबको चाहिए। आज देखो दुनिया 9 to 5 का जॉब कर रही है, मैट्रिक्स के अंदर है, लेकिन हमारा एंड्रयू टेट आज मैट्रिक्स के बाहर है। लेकिन एंड्रयू टेट ने ये सब हासिल कैसे किया? स्ट्रगल करके, हसल करके, लोगों के लाइफ में वैल्यू पुट करके? नहीं, एंड्रयू टेट की कहानी थोड़ी डिफरेंट है। 2 बार बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुका है। 2016 में जब ब्रिटिश रियलिटी शो बिग ब्रदर में आया तब वो पब्लिक अटेंशन पे आया। बाद में सिर्फ 6 दिन के बाद ही प्रोड्यूसर ने उसको शो से निकाल दिया क्योंकि एक वीडियो वायरल हुआ था जहां पर वो एक लड़की को बेल्ट से पीट रहा था। किकबॉक्सिंग से रिटायर्ड होने के बाद उसने अपने 5 गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक वेबकैम स्टूडियो शुरू किया जहां पर वो लड़कियां मेल क्लाइंट्स को सीड्यूस करके उनसे पैसा कमाती थी। धीरे धीरे एंड्रयू टेट के ये वेबकैम का बिजनेस इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसने 75 और लड़कियों को इस काम पे लगा दिया और वो हर महीने $6,000 कमाता था इस बिजनेस से। फिर उसने कैसीनो का बिजनेस स्टार्ट किया, फिर ओनली फैंस मैनेजमेंट शुरू किया और ऐसा करते करते एंड्रयू टेट और उसके वाइफ ट्रिसान टेट ने मिलकर बहुत ज्यादा पैसे छाप लिया। बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े विला, मानो उन लोगों ने सब कुछ हासिल कर लिया। वो लग्जरी लाइफ, वो पार्टी, सिगार, वाइन, वुमेन, सब कुछ, मान लो एंड्रयू टेट ने तो मैट्रिक्स पार ही कर लिया। एंड्रयू टेट ने इस सोशल मीडिया के पावर को बहुत अच्छे से समझा और लग गए मोटिवेशन, पॉडकास्ट, ये सब जानने। अब आए हैं आपको और हमें इस मैट्रिक्स से बाहर निकालने। कैसे? वही पुराना सिस्टम, कोर्स खरीद लो। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अपना मोटिवेशन जानने के बाद अब एंड्रयू टेट ने खुद का एक ऑनलाइन फाइनेंशियल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म खोला जिसका नाम था हसलर्स यूनिवर्सिटी। ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ये दावा करता है कि ये आपको नए नए इनकम जनरेशन के टेक्निक सिखाएगा और वो ये भी दावा करता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन फाइनेंशियल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। अगर आप हसलर्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हो तो आप भी 9 to 5 से निकल सकते हो, आप भी बेशुमार पैसा कमा सकते हो, आप भी इस मैट्रिक से निकल सकते हो। और अब तो हसलर्स यूनिवर्सिटी का अपडेटेड वर्जन भी आ चुका है, रियल वर्ल्ड, जिसे ज्वाइन करने से आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। लेकिन कैसे कमाओगे, प्रोसेस क्या है? वही ड्रॉप शिपिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, स्टॉक, क्रिप्टो, फ्रीलैंसिंग है, मतलब ये सब करके आप मैट्रिक से बाहर निकल सकते हो। मुझे नहीं पता, लेकिन आपका ये सब करने से एंड्रयू टेट जरूर मैट्रिक से बाहर निकल जाएगा क्योंकि उसके रियल वर्ल्ड के ग्रुप में हर महीने 2 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट उसको $50 पे करते हैं। बट वेट, एंड्रयू टेट तो वही कर रहा है जो ये मैट्रिक्स है, वो इसी सिस्टम को यूज कर रहा है, मतलब वो कुछ ऐसा खास नहीं कर रहा है और ना ही आपको कोई गारंटी दे रहा है। तो क्या ये चीज सच में लेजिट है या फिर ये एंड्रयू टेट का सो कॉल्ड कोर्स या फिर ये खुद एंड्रयू टेट ही एक स्कैम है, एक फ्रॉड है? आफ्टर किकबॉक्सिंग एंड्रयू टेट एंट्री लेते हैं सोशल मीडिया की दुनिया में। उसको पता था कि फेमस होने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट करना बहुत ही जरूरी है और बस वो लग गए सोशल मीडिया में गंदगी फेंकने। कभी लड़कियों को लड़कों का प्रोडक्ट बोलना तो कभी रेप पर लड़कियों को ही ब्लेम करना, ये सब बातें और भी दुनिया भर का सारा कचरा एंड्रयू टेट सोशल मीडिया पर फेंकने लगे और उसकी इन्हीं सब स्टेटमेंट्स का शिकार होते हैं 14-15 साल के वल्नरेबल बच्चे, स्कूल स्टूडेंट्स, स्पेशली यूके और यूएस से। और ये इंसान इतना टॉक्सिसिटी फैलाता है कि वहाँ के स्कूल टीचर्स भी इस चीज को लेकर कंसर्न्ड है। इन्हीं मिसगाइडेड स्टेटमेंट के लिए उसे सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बैन कर दिया गया, लेकिन आज भी इंटरनेट पे सभी जगह पर उसका ये कचरा धड़ल्ले से कैसे चलता है? वेल, इसके पीछे भी एंड्रयू टेट का ही बिजनेस है। इसमें क्या है कि एंड्रयू टेट अपने रियल वर्ल्ड के स्टूडेंट को उसके सभी कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियोस को सोशल मीडिया पर चलाने का आइडिया देता है और उन सभी वीडियोस और शॉर्ट्स के एफिलिएट लिंक से जब कोई नया बंदा आके उसके रियल वर्ल्ड को ज्वाइन करता है तब उससे उनको एक इनकम मिलता है, मतलब वही MLM वाला स्कीम। जी हाँ, यही है एंड्रयू टेट का बिजनेस मॉडल। और आज दुख की बात यह है कि पैसे कमाने के चक्कर में इस इंसान ने इंटरनेट पर इतना गंदगी फेंक दिया
इतना गंदगी फेंक दिया कि आज यूथ एक ब्लाइंड रेस पर है, एक ब्लाइंड मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की रेस में, जहां ये एंड्रयू टेट जिस पर रेप चार्जेस से लेके ह्यूमन ट्रैफिकिंग तक का एलिगेशन है, जो आज भी हाउस अरेस्ट पे है, इसको लोग आज अपना रोल मॉडल बना रहे हैं। और लोग भी ना सिर्फ इसको सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि इसके बनाए हुए फेक वर्ल्ड पर भी विश्वास कर रहे हैं कि मैट्रिक्स अटैक्ड है। पर आखिर लोग इसकी बातों पर इतनी जल्दी विश्वास कैसे कर लेते हैं? वेल, यही पे आता है हमारा साइकोलॉजी स्टोरी और मैट्रिक्स। एज पर साइकोलॉजी, आप ऊपर उठने के लिए ये नहीं देखते कि कौन गिर रहा है, कौन मर रहा है या फिर कौन डूब रहा है, क्योंकि आपको आपका स्टोरी बनाना है, आपको एक हीरो बनना है, और किन लोगों से इंस्पायर होके, ऐसे एंटरटेन जैसे लोगों से। क्यों? क्योंकि आपको दिखाया गया है यही तो लाइफ का एक्चुअल मीनिंग है, यही तो असली लाइफस्टाइल है, और यही तो आपके जीने का असली मकसद है, और यही तो वो मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स ही एक्चुअली आपके साइक को कुछ इस तरीके से रेडी करता है कि आपको भी अपना स्टोरी बनाना चाहिए। जी हाँ, यही है वो मैट्रिक्स जहाँ पर आप फंस रहे हो, और एंड्रयू टेट आपको इस मैट्रिक्स से बाहर नहीं बल्कि इस मैट्रिक्स के अंदर धकेल रहा है, जहाँ आपको आपके लाइफ के पर्पस का कोई अता पता तो नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना सिखाया जाएगा, लेकिन किसके लिए? कमा तो अपने लिए रहे हो, लेकिन किसके लिए काम करके? और अगर आप गौर से देखोगे तो समझोगे आप वही उन मिलियनेयर्स बिलियनेयर्स के लिए इनडायरेक्टली काम कर रहे हो, क्योंकि पैसे कमाने के लिए भी आपको इस सिस्टम का हिस्सा होना पड़ेगा। बिना इस सिस्टम में रहे आप पैसा नहीं कमा सकते, और मान लो आपने बहुत ज्यादा पैसा कमा भी लिया तब भी आप इस सिस्टम में ही रहोगे। जरा सोचिए, भले ही आपने ड्रॉप सर्विस से $1,000 कमा लिया, लेकिन क्या आपने कोई प्रोडक्ट बनाया, कुछ ऐसा यूनिक क्रिएट किया? नहीं, उल्टा शॉर्ट टर्म पैसे कमाने के चक्कर में आप अपना क्रिएटिविटी खो देते हो, और वही उनका एक कठपुतली बनकर रह जाते हो। इवन आप एंड्रयू टेट का ये बिजनेस मॉडल देख लो, पहले वेबकैम, फिर कैसीनो, और अब ये रियल वर्ल्ड जो बिल्कुल भी रियल नहीं है, ये एक पूरा ही पिरामिड स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ और सोचो, ये बंदा और इसका सो कॉल्ड मोटिवेशन आपका शॉर्ट टर्म डोपामिन तो इंक्रीज कर सकता है, लेकिन क्या ये आपको सच में मैट्रिक्स से निकाल सकता है? और आप मैट्रिक्स को छोड़ो, ये आपको इस बात का भी गारंटी नहीं दे रहा है कि आप महीने का $30,000 to $40,000 भी कमा सकते हो। मतलब आपको पैसे कमाने का भी गारंटी नहीं दे रहा, और ये बंदा आपको मैट्रिक्स से बाहर निकालेगा। हम भारत देश से है, हमें मैट्रिक्स से बाहर निकलने के लिए एंड्रयू टेट और उसके सो कॉल्ड मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ पर बड़े बड़े लोगों ने जन्म लिया है, और ऑलरेडी उन्होंने हमें मैट्रिक्स से बाहर निकलने का पाथ दिखा चुके हैं।